नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कुशीनगर में सुरक्षा किट को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर और सीएमओ आमने सामने आ गए हैं। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को देखने वाले चिकित्सक सुरक्षा किट न मिलने से आक्रोशित हैं और उन्होंने आज अपने गुस्से का इजहार भी किया। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से डीएम दफ्तर तक शांति मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया। डीएम दफ्तर पर पहुंचे जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने डीएम के सामने अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमओ और सीएमएस दोनों अधिकारियों को तलब करते हुए चिकित्सकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डीएम की डांट खाने के बाद बौखलाए सीएमओ ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर नेतागिरी करने का आरोप लगा दिया। फिलहाल जिला अस्पताल के डॉक्टरों और सीएमओ कार्यालय के बीच गतिरोध बरकरार है। कोरोना वायरस के बाद हुए लॉकडाउन के बाद कुशीनगर में बड़ी संख्या में कामगारों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर से आने वाले कामगार के अलावा इस जिले के रहने वाली बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में अपनी जांच कराने के लिए आते हैं। जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों की माने तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा उन्हें सुरक्षा किट नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वो सहमे हुए हैं। मजबूरी में तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त डर सताते रहता है कि बिना सुरक्षा किट के काम करते वक्त कोई संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में आ गया तो उनका क्या होगा। लगातार अपनी मांग करने के बाद जब सीएमओ के कानों पर जू नहीं रेंगी तो जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया। चिकित्सकों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जिला अस्पताल से डीएम दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को अपनी समस्या बताई, जिसके बाद डीएम ने सीएमओ और सीएमएस को तलब कर लिया था। डीएम ने दोनों अधिकारियों को स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत के अनुसार सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हाँ, ज्ञापन में साहब डीएम साहब ने सीएमओ साहब सीएमएस साहब को बुला के कहा तो मिल जाएगा, कहे मिल जाएगा, हम डिस्पोजेबल दे देंगे। ये पीपी किट और ये है, आज सब पीपी किट हम लोग जिला अस्पताल में मिल जाएगा। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना होने से? नहीं, दिक्कत के साथ हमको भी है, मरीज को भी है, चूँकि हम चारों तरह से मरीज घिरे रहते हैं, 100 से ऊपर मरीज देखते हैं। अगर हमारे पास सुरक्षा नहीं रहेगा, मरीज सुरक्षा नहीं रहेगा, दोनों आदमी को कोरोना वायरस फैलने का डर रहेगा। इसलिए जो है सो ये बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा हम लोग को भीड़ इतनी रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए, क्योंकि सोशल मरीज एक एक आदमी देखता है, ओपीडी बड़ी भीड़ रहती है, इमरजेंसी में भीड़ रहती है। यही रिक्वेस्ट था हम लोगों का। सुरक्षा किट उपलब्ध ना कराने पर पहले से ही चिकित्सकों का विरोध झेल रहे सीएमओ को जिलाधिकारी की डांट पड़ी तो वो तिलमिला गए। उन्होंने पीएम संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजीव झा पर नेतागिरी करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि पीपीई किट कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए है, ना कि जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सकों के लिए। उनके लिए जो जरूरी सुरक्षा किट है उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पे मैं उनके रूम में गया था, जिसमें बात मुझे बताई गई, तो मैंने बताया पीपी किट किसको देना इसके नियमावली है। पीपी किट उनको देना है जो कोविड पॉजिटिव वार्ड में ड्यूटी करेंगे, बाकी जो लोग उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं उनको पीपी किट देना है। बाकी लोगों के लिए जो लोग कोविड मरीज का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं उनके लिए मास्क और ग्लव्स और एक एप्रन, प्लास्टिक एप्रन आता है पहन के ड्यूटी करने की मतलब गाइडलाइन है। ये कम्युनिकेशन का अभाव नहीं था। ये श्री राजीव झा जो हमारे एसोसिएशन के मंत्री हैं उनके द्वारा एक प्रायोजित प्रोग्राम था। वो जो जिला चिकित्सालय उसके कार्यालय के अध्यक्ष जो है श्री डॉक्टर बजरंगी पांडे जी हैं, उन्होंने उनके सामने कहा था, उन्होंने मुझसे कम्युनिकेट नहीं किया था। अगर कम्युनिकेट किया तो जो मैं जरूर उसको बताया होता कि कहाँ पे देना है कहाँ पे नहीं देना है। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो व्यवस्था है वहाँ के सी एम एस साहब करनी है, जिससे मरीज दूर दूर रहें और अपने आप अपने हाथ को साफ करें और अपने मरीज भी स्वयं जो है मास्क लगाएं।